नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत एक बार पुनः आप सभी का सबरंग कार्यक्रम में। मित्रों, कैसे हैं आप सब? निश्चित रूप से जीवन का आनंद ले रहे होंगे, सुकून भरा जीवन चल रहा होगा और यही तो हम सबकी कामना होती है। सुकून के और शांति के लम्हों में कई बार हम ये ज़रूर सोचते हैं, मैं सोचा करता था, आप भी ज़रूर सोचते होंगे कि आखिर जीवन का उद्देश्य क्या है, क्या वही जो हम कर रहे हैं या कुछ और। क्योंकि मानव योनि के लिए हमने सुन रखा है कि ये योनि बहुत मूल्यवान है और इस योनि में हमें कुछ श्रेयस्कर करना चाहिए। तो ज़रूर जो आपने कभी सोचा हो उद्देश्य के बारे में, आज का सुवाक्य उसी पर आधारित है। आइए सुनते हैं दलाई लामा जी को। जीवन का उद्देश्य है खुश रहना। दलाई लामा, हम सभी खुश रहना चाहते हैं, लेकिन हम अक्सर यह भूल जाते हैं कि खुशी एक फैसला है। आपके आसपास जो हो रहा है उससे इसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन यह आपके भीतर जो हो रहा है उससे जुड़ा है। खुश रहने के लिए हमें एक बुनियादी नियम को समझना होगा। उपलब्धियाँ खुशी नहीं लाती हैं, खुशी उपलब्धियाँ लाती है। दोस्तों, दुनिया और लोग हमें खुश या दुखी करने के लिए जिम्मेदार नहीं है। हमें खुद को खुश रखने की कला सीखनी चाहिए, क्योंकि यह हमारी पहली जिम्मेदारी है। जीवन का उद्देश्य खुश रहना, ये हमने सुवाक्य में जाना। तो खुशी खुशी हम अपने जीवन को बिताएं, दिन को बिताएं, और इस खुशी में एक महत्वपूर्ण रोल, भूमिका होती है हमारे सेहत की। यदि सेहत ठीक है तभी मन खुश होता है, अन्यथा आप जानते हैं, पेट में सिर में दर्द हो तो खुशी गुम हो जाती है। तो कल हमने सुना था कि किन सात चीज़ों को अपने भोजन में शामिल करें ताकि हम अपने जीवन में संपूर्ण स्वास्थ्य का आनंद लें। आज जानते हैं कौन सी ऐसी सात चीज़ें हैं जिन्हें हम या तो अवॉइड करें, बिल्कुल उनसे मुक्त कर लें खुद को, या फिर उन्हें कम करते चलें। आइए सुनते हैं डॉक्टर अल्पा जी से। आपकी सेहत आपके हाथ में। ओम शांति। हमारे आहार में से सात चीजें हमें कम करते जानी है। सबसे पहले है चाय कॉफी, जो ओवर स्टिमुलेटिंग है और उससे एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, एडिक्शन क्रिएट होता है। दूसरा, सॉफ्ट ड्रिंक्स। सॉफ्ट ड्रिंक्स जो है वो हाईली एसिडिक है, साथ साथ उसमें कलर्स, एसेंस और शक्कर की मात्रा ज़्यादा होने के कारण कई बीमारियां होती है। तीसरा है मैदा। मैदा को शक्कर का ही भाई कहा गया है, क्योंकि उससे ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ते हैं, साथ साथ मैदे के कारण आंतों में चिकना पदार्थ जम जाता है और इसके कारण जो आवश्यक चीज़ें हैं वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाती है, इसलिए मैदे को कम करते जाना है। चौथा है नमक। नमक की मात्रा हमारे शरीर में सिर्फ 5 ग्राम जितनी ही आवश्यक है, उससे ज़्यादा हमें नहीं लेना है। शक्कर। शक्कर के लिए कहा गया है कि 75 प्रकार की बीमारियां उसके कारण हो सकती हैं, तो शक्कर को हमें कम करते जाना है। छठा है घी और तेल। वैसे देखा जाए तो घी और तेल को सही तरीके से प्रॉपर अमाउंट में लिया जाए तो हमें स्वास्थ्य मिलता है, लेकिन इसी घी और तेल को ज़्यादा प्रमाण में लेना और तली हुई चीज़ें खाना, इसके कारण कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, तो उसे हमें तली हुए पदार्थों को कम करना है। सातवां है बटर। बटर के कारण कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, ओबेसिटी बढ़ती है, तो इसे भी हमें कम करते जाना है। ओम शांति। मित्रों, हमारे देश की विविध संस्कृति का एक सुंदर और अभिन्न सा अंग यहाँ के विविध नृत्य भी हैं, जो नृत्य भारतीय कला, संस्कृति और आध्यात्म के दर्शन कराते हैं। उन्हीं में से एक है भरतनाट्यम, जो तमिलनाडु का नृत्य होते हुए भी भारत के अलग अलग प्रांतों में भी बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है।
न केवल यहाँ लेकिन विश्व के कोने कोने तक भारतीय दर्शन और आध्यात्म को, जीवन के विविध रंगों को अपने मुखमंडल के माध्यम से, अपने नृत्य के माध्यम से रखने का एक बहुत ही सुंदर जरिया और तरीका ये नृत्य है। आइए स्पिरिचुअल इंडिया में आज भरतनाट्यम नृत्य के माध्यम से तमिलनाडु की कला और संस्कृति के दर्शन करते हैं। ओम शांति। तमिलनाडु लिटरली मीन्स ए लैंड ऑफ तमिल पीपल्स। It is known for classical music, Bharatanatyam, folk art and folk dances, which marks the culture of India. Famous Tamil poet Mahakavi Subramanya Bharati beautifully portrays the wealth and beauty of Tamil Nadu. Sindamil Nadu is the name of our land. Its sound as sweet as honey flows into our ears. When I talk about my land, I feel a new strength in each breath. And you know, many rivers are in Tamil Nadu. Kaveri, Tenkanai, Palaru, Vaigai and Porumbai, which flourish the stretch of Tamil Nadu. Tamil Nadu is a land of mountains, named as Kudinchi, forest, named as Mullai, field, named as Marutam, and ocean, named as Nethal, desert, named as Pali. Tamil Nadu is rich in education, where the famous poet Kambal was born. The ancient Tamil epics form the various historical figures like Agastya, Murugan, Raval, Kutravai, Nadraja, and Meenakshi. Whatever riches can be found in this world, they are all present in Tamil Nadu. मित्रों, कई बार जीवन में हम बहुत बड़ी बड़ी बातों पर तो विचार करते हैं, बड़ी बड़ी बातें तो सोचते हैं, लेकिन कुछ छोटी छोटी बातें भी होती हैं जिन पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता होती है। वो छोटी बातें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। वो कहते हैं ना, जूता कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यदि उसमें एक छोटा सा कंकड़ घुस जाए तो फिर हम उस जूते का आनंद नहीं ले सकते हैं। वो कंकड़ चुभता रहता है और वो कीमती जूता हमारे किसी काम का नहीं रहता। तो इन छोटी बातों पर भी बहुत बहुत ध्यान देने की ज़रूरत होती है। और ऐसी ही सुंदर सुंदर छोटी छोटी बातों पर हमारा ध्यान खिंचवाते हैं प्रोफेसर राजीव शर्मा जी अपने सुंदर गुदगुदाते हुए अंदाज में। आइए ज़रा उन्हें भी सुने। सभी देखने सुनने वालों को प्रोफेसर राजीव शर्मा का नमस्कार। एक बार दो अफ्रीकियों और एक भारतीय ने भगवान की तपस्या की। भगवान प्रसन्न हुए तो प्रकट हुए। भगवान ने कहा, बताओ क्या चाहिए? तो पहले अफ्रीकी ने कहा कि भगवान मुझे गोरा कर दीजिए। भगवान ने कहा, तथास्तु, जा गोरा हो जा। वह गोरा हो गया। दूसरे अफ्रीकी ने कहा कि भगवान मुझे भी गोरा कर दीजिए। परमात्मा ने कहा, एम वस्तु, वो भी गोरा हो गया। भारतीय का नंबर आया। भारतीय से पूछा गया, तुझे क्या चाहिए? भारतीय ने परमात्मा से कहा, परमात्मा इन दोनों अफ्रीकियों को फिर से काला कर दे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें खुद की हानि भले ही हो जाए मगर दूसरों का लाभ बर्दाश्त नहीं होता। जबकि जिंदगी जीने का सही तरीका भारतीय संस्कृति बतलाती है कि जिसमें सबका भला हो उसी में हमारा भी भला है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःख भाग् भवेत्। नमस्कार। मित्रों, किसी को अन्न देना, जल देना, धन देना या वस्त्र देना, ये तो फिर भी आसान है,
जो हम करते हैं और हमें करना भी चाहिए, क्योंकि समाज में बहुत सारे ऐसे ज़रूरतमंद लोग हैं। लेकिन आज के दौर में इससे भी कहीं ज़्यादा आवश्यकता हम महसूस कर रहे हैं कि मन की शांति मिले, सुकून मिले। लेकिन ये वही कर सकता है जो स्वयं भी शांत हो, सुकून भरा जीवन जी रहा हो, और साथ ही जो शांति के सागर परमात्मा से जुड़ा हुआ हो। और ये कार्य वर्षों से कर रही हैं ब्रह्मा कुमारी बहनें। आइए पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में देखते हैं कि कहां कहां शांति का सुंदर प्रसाद हमारी ये बहनें बांट रही हैं। कुमारी रांची ने जीवन में नयापन लाने की थीम पर नया साल मनाया। नाबार्ड के डीजीएम श्री सुरेश चंद्र गर्ग, ह्युंडई के क्षेत्रीय प्रबंधक अमरजीत जी और चार्टर्ड अकाउंटेंट एंजेला गोयंका विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित थे। आमंत्रित अतिथियों के साथ ब्रह्मा कुमारी रांची की केंद्र प्रभारी बी के निर्मला ने दीप प्रज्वलित किया। केक काट कर नव वर्ष मनाया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने उत्सव में रंग भर दिया। सभा को संबोधित करते हुए बी के निर्मला ने कहा कि हर कोई कुछ नया करने की कोशिश कर रहा है जो पहले किसी ने नहीं किया। आज के दिन सभी के अंदर में बहुत सारी इच्छाएं पैदा होती हैं, उमंग बहुत तरंग पैदा होता है कि हम क्या करें। सबके अंदर तरंग होती है कि हम कुछ नया करें जो सबसे अलग, किसी ने कभी नहीं किया। माननीय अतिथियों ने भी नव वर्ष की बधाई दी और सभी से इस नव वर्ष में कुछ अलग करने की अपील की। तो मित्रों, ये था आज का सबरंग, जिसमें हमने बहुत सारी बातें देखी, सुनी, जानी। कुछ नई थी, कुछ हम जानते भी थे, लेकिन अब मूल बात ये है कि इन बातों को हमें अपने जीवन में शामिल करते चलना है। क्योंकि अच्छी बातें तो हम बहुत सुनते हैं, लेकिन खास बात ये है, मूल बात ये है कि उन्हें हम अपने जीवन में अप्लाई करें, उन्हें अपने जीवन में धारण करें। मिठाई को दूर से देख लेने में आनंद नहीं आएगा, लेकिन उस मिठाई को चखा जाए, उसका स्वाद लिया जाए, तो जीवन का आनंद कुछ और होगा। और सबरंग यही चाहता है कि आपका जीवन ऐसे ही सुंदर खुशबू से, सुख से, शांति से, आनंद से रंग जाए। तो ढेर सारी दुआओं और शुभकामनाओं के साथ आज के लिए आपसे लेता हूँ विदाई, इस वायदे के साथ कि कल पुनः आपसे इसी वक्त मुलाकात होगी। नमस्कार, ओम शांति।